और आई ऑलवेज प्रेफर अ ग्रीन टी, सो इट्स माई ग्रीन टी. मैं कौन सा ग्रीन टी पीती हूँ, इट्स अ डिटॉक्स कहवा बेसिकली. सो अच्छा है ये ना, मतलब इसका टेस्ट अच्छा है. जैसे यूजुअली आप दूसरी ग्रीन टीज पियोगे तो उसमें ना आपको बहुत टेस्टलेस सा फील आता है, बट इसमें ऐसा. एक बात मैं आपको बताती हूँ, ईमानदारी से मैंने ये यहाँ पर ज्यादा महसूस किया, हालांकि मैं ये सब पहले भी देख चुकी हूँ, बट मैंने देखा कि जो लोग सच आपके दोस्त बनते हैं ना, वो असल में आपके दोस्त हैं, ये वक्त वक्त पे पता लगता है. जैसे मैं आपको एक मिलाती हूँ और मैं मजाक से परे हट के आपको, मतलब बड़ी ईमानदारी के साथ में, कि ये देखो मैं आपको, मैं हूँ, देखो ये है हमारी श्री श्री पूजा जी. देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ ईमानदारी से, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी. जैसे इनको पता है कि मेरे बुलेटिन के लिए ये टाइम आने का है, ठीक है, कहने के लिए ये मेरी दोस्त है, बड़ी बहन है, लेकिन ये पूरा माहौल बनाती मेरे नाम का बाहर पीसीआर. जब 54:30 तक श्री श्री पूजा जी नहीं दिखेंगे तो एक, तो, एक तो ये सारे सकती है ना, तो 54:30 पे श्री श्री पूजा जी, तो श्री श्री पूजा को फोन लगाने की बजाय ये जो चरस है 54 के पहले 55 के पहले नहीं आएंगे. सुनिए उसमें मेरा इंटेंशन ये था, मुझे लगा हो सकता है भूल गई, तो आप मेरे को फोन कर दी ना. तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ बाहर भी, तो सुनिए दोस्तों ये बाहर भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो ये खुद चरस बोती हैं कि आप फंस जाओ. तो इन्होंने बाहर भी वही किया, ये बाहर बता रही है माहौल बनाने के लिए, लेकिन मुझे भी बार फोन नहीं कर रही है कि तू जल्दी आ जा. तो दोस्ती, तो दोस्ती क्या होती है ये बताओ, खुद आपको फोन करके जो ये बोले कि आ जा जल्दी, और देखो कहने के लिए मुझे ऐसे लाड लड़ाएंगी, एक नंबर की फ्रॉड औरत है. और फिर मैंने लिखी अपनी एक स्टोरी जिसमें बिल्कुल मशगूल हूँ मैं, बड़ी मेहनत के साथ में, पूरी क्रिएटिविटी के साथ में मैं अपनी स्टोरी लिखने में बिजी हूँ, और इतने में मेरा रंजना ने वीडियो भी बना लिया. सुबह हम लोग आए हैं अपने नीचे शूट करने के लिए रील्स को, भारत 24 की भी और अपने पेज के लिए भी. ये है विष्णु, इतना प्यारा सा है विष्णु. विष्णु तुम इतने प्यारे क्यों हो यार, लड़कियां भी इतना धीरे नहीं बोलती जितना विष्णु धीरे बोलता है, बट बहुत ही प्यारा है ये. सो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ ऑलमोस्ट घर, और मैं वेट कर रही हूँ अक्षय का, वो आएंगे तो लेट्स सी. आई हैव सम प्लान इन माय माइंड, लेट्स सी व्हाट वी विल डू. और फिर हम निकल गए डिनर के लिए शाम को बाहर, बहुत अच्छा खाना था. मैं, युवराज, अक्षय, क्योंकि सैटरडे था ना तो बाहर तो ज़्यादा जा नहीं पाते, लेकिन ये पास में कहीं डिनर के लिए ज़रूर चले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा एक आउटिंग भी हो जाता है और फिर टाइम स्पेंड भी हो जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है. और यहाँ पर ना म्यूज़िक नाइट थी, बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे ये जो सिंगर थे. और हम ना काफ़ी लेट पहुँचे थे, हमारा ये जो ऑर्डर था यहाँ पे लास्ट ऑर्डर था. और भाई इतना लजीज था ना खाना, इतना टेस्टी, इतना यमी सूप, मैं तो बहुत दिनों बाद खाती थी, और ये था बहुत ही यमी यमी पास्ता. तो ये क्या था हमने, और मैंने अपने सूप इंजॉय किया, सच में बता रही हूँ बहुत ही यमी था. और फिर अक्षय को तो होती है हमेशा मीठा खाने की क्रेविंग, तो सर ने ले लिया पेस्ट्रीज. और मैंने बहुत बार बताया कि यहाँ की पेस्ट्री ना सच में अमेजिंग होती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं. और ये ना सब क्लोज हो रहा था, हम बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम पर पहुंचे थे, क्योंकि हमारा ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं था. फिर हमने क्या इन्जॉय इस पेस्ट्री को, और मैंने बहुत दिनों बाद ऐसी पेस्ट्री खाई, बहुत अच्छी थी. मुझे लग रहा है पता नहीं पिछले वर्ष अक्षय ने ऑर्डर